पुलिस कप्तान सूरज कुमार वर्मा के मार्गदर्शन में बघाना थाना प्रभारी राजेंद्र नरवरिया और पुलिस टीम द्वारा एक अपहर्ता 15 वर्षीय नाबालिग को बरामद करने व उसको 1,00,000 रुपए में खरीद फरोख्त कर शादी कराने वाले 3 पुरुषों और 3 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि 10 मार्च को नीमच की एकता कॉलोनी में रहने वाली रानी पति जगदीश मेघवाल ने बघाना थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी 15 वर्षीय नाबालिग लड़की को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसला कर ले गया है, जिस पर पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ अपराध कायम कर अनुसंधान में लिया। उक्त अपहर्ता की बरामदगी हेतु बघाना थाना प्रभारी राजेंद्र नरवरिया ने टीम बनाई और मुखबिर व साइबर सेल की मदद से उक्त प्रकरण में निरंतर तफ्तीश की जा रही थी। पुलिस को सूचना मिली थी कि अपहर्ता नाबालिग राजेंद्र सिंह उर्फ राजा बन्ना पिता प्रहलाद सिंह निवासी ग्राम सिंधपन थाना बायड़ी नगर मंदसौर व रजिया पिता शहादत अली पठान निवासी भगवानपुरा तलई के पास इंदिरा नगर नीमच के कब्जे में है और वर्तमान में दोनों चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है। साइबर सेल की मदद से एवं मुखबिर की सूचना पर सहायक उप निरीक्षक तेज सिंह सिसोदिया के साथ पुलिस टीम चित्तौड़गढ़ राजस्थान पहुंची, जहां पर रजिया व राजेंद्र सिंह मिले, जिन्होंने बताया कि उक्त अपहर्ता भिलवाड़े के किसी लड़के के साथ सूरत गुजरात में है। इसके बाद पुलिस टीम सूरत गुजरात के लिए रवाना हो गई। सूरत गुजरात से नाबालिग को दशरथ सिंह पिता मान सिंह राजपूत निवासी शिवपुरा जिला भिलवाड़ा के कब्जे से बरामद किया गया। अपहर्ता से पूछताछ करने पर बताया गया कि उसे राजेंद्र सिंह व रजिया अपने साथ बहला फुसला कर राजस्थान में बड़ी सादड़ी के गांव भागला ले गए तथा वहां पर इन दोनों ने इसके रिश्तेदार तेज सिंह पिता दुल्हे सिंह राजपूत सोलंकी और उसकी पत्नी संतोष कुमार निवासी भांगला बड़ी सादड़ी राजस्थान व तेज सिंह की बहन कैलाश कुंवर पति हरि सिंह राजपूत निवासी कपासन राजस्थान ने मिलकर दशरथ पिता मान सिंह राजपूत निवासी शिवपुरा थाना शिवपुरा जिला भिलवाड़ा राजस्थान को 1,00,000 रुपए लेकर 14 मार्च 2021 को गांव शिवपुर भिलवाड़ा राजस्थान में शादी करवा दी। अपहरण के मामले में पुलिस द्वारा संपूर्ण गैंग के आरोपी गण दशरथ सिंह राजपूत रजिया अली पठान संतोष कुंवर कैलाश कुंवर राजेंद्र सिंह और राजा बन्ना तेज सिंह राजपूत को गिरफ्तार किया गया। ये लगभग 1 महीने पहले एक बच्चे की गुमशुदगी दर्ज हुई थी, लगभग 15 साल की थी और उसमें एक 363 का प्रकरण कायम किया गया था और चूंकि बच्ची का मामला था तो एक स्पेशल टीम बघाना थाना में गठित की गई थी थाना प्रभारी और CSP साहब के निर्देशन में और वो लगातार इसमें सुराग ढूंढने का प्रयास कर रही थी और फाइनली अभी लास्ट वीक उनको कुछ आइडिया लगा था कि चित्तौड़गढ़ में साइड में इनका कुछ लोकेशन पाया जा सकता है तो तत्काल एक टीम रवाना की गई थी और इसमें अच्छी कार्रवाई करते हुए पूरी टीम ने चित्तौड़गढ़ भिलवाड़ा और सूरत तीनों जगह जाकर इस पूरे मामले का पटाक्षेप किया है और इसमें कुल 6 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें यह भी सामने आया है कि 1,00,000 रुपये लेकर बच्चे की शादी एक वयस्क से कराई गई थी और इसी क्रम में जो 363 में प्रकरण कायम हुआ था उसमें अन्य धाराओं का भी समावेश किया गया, 370-376 SC/ST एक्ट और पॉक्सो एक्ट की धाराएं भी लगाई गई है। बच्चे का 164 भी मजिस्ट्रेट के सामने करा दिया गया है और उसमें उसने पूरी बातें खुलकर बताई भी हैं और इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई सभी आरोपियों के विरुद्ध की जाएगी। सर, आरोपियों ने क्या कुछ बताया कि पहले भी कोई ऐसे घटनाक्रम कर चुके हैं या पहली बार? अभी उनसे पूछताछ में ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है, बट इनका तकनीकी जो साक्ष्य हैं और इनके जो भी मिलने जुलने वाले हैं उन सब से भी हम लोग और इसमें विश्लेषण कर रहे हैं, अगर कोई और भी पुरानी घटना इसमें सामने आएगी तो उसमें भी कार्रवाई की जाएगी।